बिहार में संक्रमण की दर 7% से भी नीचे, एक दिन में 7,494 नए मरीज मिले। इधर 24 जिलों में 100 से अधिक नए संक्रमित मरीज मिले। संक्रमण दर में बिहार में आई है कमी। बैंकों का फिक्स डिपॉजिट तक तोड़ रहे हैं लोग, कोरोना का है असर। प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा बयान, उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है कोरोना। भोजपुर में पहले 100 को बहाया, ढूंढने पर 3 मिले। बिहार में ब्लैक फंगस के 8 और नए मरीज मिले। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के बढ़ने वाले वेतन का मिलेगा एरियर। स्कूल भले ही बंद है लेकिन बच्चों को मिलेगा मिड डे मील। नमस्कार का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। खबरों से, अखबारों में खबरों को चुनकर हम लाते हैं, अखबारों के खबरों से हम चुनकर आपके लिए लाते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार का क्या है हाल। तो चलिए, खबरों को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करेंगे ही, सब्सक्राइब करना भी न भूलेंगे। देखिए, इस समय की सबसे बड़ी कह सकते हैं खबर आज की कि बिहार में कुछ राहत वाली बात हुई है। राहत की सांस आप ले सकते हैं लेकिन सतर्क फिलहाल रहने की ज़रूरत है। अपनी आदतों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लगातार मास्क और दूरियों को बनाकर रखने की ज़रूरत है। साबुन आदि का प्रयोग करते रहना है। राज्य में संक्रमण की दर 7% से भी नीचे आई, आंकड़े गवाह हैं। कोरोना के संक्रमण दर की 6.91% हुई है। एक दिन में 7,494 नए कोरोना संक्रमित मरीज बिहार में मिले हैं। पटना में सर्वाधिक 967 संक्रमित मरीज मिले हैं। 27 दिनों में 7% से कम हुई है संक्रमण दर। 27 दिनों में जो है संक्रमण दर कम हो गई है और अब पहुंच गया है 6.91%। जहां 15,000 से ऊपर केसेस आ रहे थे, अब 7,000 पर आ गया है। लेकिन फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिहार में कोरोना का संक्रमण दर में लगातार हो रही है कमी से बड़ी राहत है, राहत भरी है खबर। शुक्रवार को संक्रमण की दर 7% से नीचे 6.91% हो गई है, जबकि एक दिन पूर्व राज्य में संक्रमण का दर 7.93% रहे। तो और इधर बिहार सरकार के द्वारा जो है डॉक्टरों की बहाली को लेकर भी पहल किया गया, जिसमें अपना इंटरव्यू देने के लिए डॉक्टर भी जो हैं बहाली को लेकर उपस्थित हुए। इधर संविदा आयुष डॉक्टरों की हड़ताल वापस। इधर प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा बयान आया है कोरोना को लेकर, जो हमें और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने चिंता जाहिर किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज़ी से फैल रहा है कोरोना। कोरोना का रोकने के लिए सतर्कता ही एक सबसे अहम दवाई कह सकते हैं, और उसके बाद उसका टीका भी, दोनों डोज लेना जरूरी है। 9 करोड़ किसानों के खातों में भेजी गई राशि। 20 करोड़ की राशि पीएम किसान योजना के तहत दी गई, पहली बार एमएसपी के खाते में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चिंता जताते हुए कहा कि कोरोना तेजी से गांवों में फैल रहा है, इसलिए कोरोना के नियमों, मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें। गांव के लोग सतर्क रहें और सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त के सामान्य बीमारी के रूप में नहीं लें। डॉक्टर से सलाह पर दवाइयाँ लें और कोरोना की जाँच कराएँ। यानी जांच सबसे पहले कराना जरूरी है। कोई भी लक्षण अगर दिखाई देता है तो जांच जरूर कराएं। इस दौरान मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि के तहत 8वीं किस्त के रूप में 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 20 करोड़ से अधिक धनराशि को हस्तांतरित करने की कल कर दिया गया। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारें काम कर रही हैं। विश्वास दिलाया जा रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपके लिए कोरोना को लेकर काम कर रहा है। लेकिन बिहार में एक और चिंता की बात यह है कि कोरोना के साथ साथ एक और नई बीमारी आ गई है,
जिसमें लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सूबे में ब्लैक फंगस के 8 और नए मरीज मिले, 8 बीते दिन तक था और 8 और मिल गए हैं। अब तक मिले 18 मरीजों में 17 पटना में तो एक कैमूर में भर्ती, पटना एम्स व पारस में दो दो तो एक अन्य अस्पताल में भर्ती है। तो यह भी एक चिंता की बात है कि इस महामारी के दौर में एक और महामारी ब्लैक फंगस के नाम से बिहार में दस्तक दे चुकी है और हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। भोजपुर में पहले सौ को बहाया, ढूंढने पर 3 मिले। सिन्हा घाट पर लगे 5 सौ को नाव के माध्यम से बहा दिया गया। डीएम के संज्ञान के मामले आने पर सौ की खोज शुरू की गई। देखिए, गाँव में 3 लोगों की जान गई तो बना डाला अस्पताल, एक अलग पहल है, अच्छी पहल है। राजधानी दिल्ली के एक गांव ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में मिसाल पेश की है। दरअसल गांव में एक दिन में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई तो गांव के कुछ लोगों ने अस्पताल ही बना डाला। यह जागरूकता अच्छी चीज़ है। और इधर देखिए, कोरोना का असर इतना है कि बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट जो था उसको भी लोग तोड़ दे रहे हैं और अपना दवा दारू के लिए प्रयोग कर रहे हैं, भोजन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जिलों में जमा से अधिक हो रही है निकासी। तो इस तरह से बिहार में जो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट भी लोग किए हुए हैं तो कोरोना के असर को लेकर खर्च बढ़ते जा रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट भी तोड़ने पर उनका काम हो रहा है, तोड़ रहे हैं, तोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, कर सकते हैं। इधर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन 3 महीने से ही। योजना की आवेदन प्रक्रिया में उद्योग विभाग ने कई बदलाव किए हैं। बदलाव क्या है? पहली योजना में पूरे साल आवेदन किया जा सकता था। महिला उद्यमी योजना में भी किया गया बदलाव। 10 लाख की सहायता देती है राज्य सरकार अपना उद्योग लगाने के लिए। साल की पहली तिमाही में ही आवेदन के लिए विंडो खुलेगी। गलत या अधूरे आवेदन निरस्त किए जाएंगे। गलत या अधूरे अगर आवेदन रहता है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। नियम के विरुद्ध ठेकेदारों को दिया जा रहा है काम। नियम के विरुद्ध जो है ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है। इंजीनियरों को चेतावनी। ग्रामीण कार्य विभाग में ऐसे मामले हो रहे हैं उजागर। बीड की क्षमता का सही से नहीं हो रहा है मूल्यांकन। बहाली की दिक्कतें जल्द दूर की जाएगी। राज्य आयुष समिति ने में विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग वरीय पदाधिकारी आयुष अरविंद कुमार सिंह ने आश्वासन दिया है कि 3,270 चिकित्सकों की बहाली में तकनीकी कठिनाइयों को जल्द दूर कर लिया जाएगा। कुशल राजनेता थे डॉक्टर रमेंद्र नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री का कहना है। बेरोजगारों को 5,000 भत्ता दे सरकार, मांझी। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के प्रमुख जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध किया है कि वे राज्य के बेरोजगारों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता दे। किसान सम्मान से निधि से मदद होगी, नंद किशोर। गंगा में बह रही लाशें खोल रही है पोल आप। दूसरे डोज के लिए टीका जुटाना बड़ी चुनौती। 50 लाख टीका जुटाना होगा दूसरे डोज के लिए। 15 लाख डोज टीके के चाहिए 2 सप्ताह के लिए। 10 लाख टीका ही राज्य सरकार के स्टॉक में है। तो बिहार में जो है इस तरह से बिहार में टीकाकरण का दौर जारी है, लेकिन जितना टीका चाहिए उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 1 माह में 30 लाख डोज मिलना है ज़रूरी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी फरार डॉक्टर कर रहा था। देखिए, यह मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि जहां यह महामारी में पूरी दुनिया जूझ रहा है तो कुछ वैसे भी लोग हैं जो मानवता को कलंकित कर रहे हैं, सांसें बेच रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं, अनुपलब्धता दिखाई जा रही है। तो वैसे लोग सबसे घटिया लोग होते हैं। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार रवि का निधन। लालू प्रसाद सहित राजद नेताओं ने भी जताया शोक। रागो पूर्व विधायक और सांसद के लापता होने के लगे पोस्टर, यानी कि कोरोना काल में जो नेतागण हैं वह घरों में ही रह रहे हैं, आइसोलेट रह रहे हैं, लोगों से बच रहे हैं कोरोना को लेकर। लेकिन लोग भी चाह रहे हैं कि आज के समय में उन्हें हमारी सेवा के लिए बाहर रहना चाहिए, मदद करनी चाहिए, जहां दवा दारू की ज़रूरत हो वहां पर उपलब्धता करानी चाहिए। यहां देखिए, ट्वीट करके तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता जो हैं राज्य में कोरोना जांच पर सवाल उठा दिए हैं। आरटीपीसी जांच मात्र 25-30% ही हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट सरकार के दावों को विपरीत क्यों? यानी कि उनके द्वारा कहा जा रहा है ट्वीट करके कि 25-30% ही जाँच हो रही है। पप्पू यादव का बेहतर इलाज हो। जन अधिकार पार्टी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने शुक्रवार को सरकार पर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को गंभीर बीमारी के बावजूद परेशान करने का आरोप लगाया है।
अप्रैल में तेजी से हुई बैंकों की राशि की निकासी, अप्रैल महीने में तेजी से बैंकों से निकासी की गई है, जिस कह सकते हैं कि खुल्लम खुला यह कोरोना का असर है। कोरोना के महामारी के बीच लोगों के द्वारा पैसों की कमी महसूस हुई और बैंकों से लगातार निकासी किया गया है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से ही 15% के वेतन का बढ़ोतरी कर दिया गया, लेकिन उस वेतन बढ़ोतरी का लाभ वेतन के साथ में न मिलकर अब एरियर के रूप में मिलेगा। यानी कि शिक्षक जो हैं आस लगाए हुए बैठे थे कि पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, अब इसका लाभ जो है अप्रैल महीने से मिलने लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वेतन मिलने की भी प्रक्रिया शुरू है, अप्रैल महीने का भी वेतन मिलेगा, लेकिन 15% बढ़ोतरी के साथ वेतन न मिलेगा। उस वेतन में जो पैसा बढ़ेगा उसको एरियर के रूप में विभाग देने के चक्कर में है। सुविधाओं के लिए शिक्षकों ने आवाज़ उठाई कि जिस प्रकार से शिक्षकों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स मानते हुए कोविड योद्धा घोषित करते तथा प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने, 50 लाख की बीमा करने, अन्य लाभों के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई है शिक्षकों ने। देखिए, कल ईद था और शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि इससे पहले शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया वेतन, तो नियोजित शिक्षकों में ईद के दिन भी मायूसी छाई रही। वेतन दिलाने की मांग करते लोग रहे और जो वादा किया गया शिक्षा मंत्री के लिए तो वादा भी सफल नहीं रहा। इधर स्कूल भले ही बंद है, बच्चों को मिड डे मील मिलेगा, घोषणा पर फोकस। कोरोना काल में घर बैठे स्कूली बच्चों को पोषण देने का सरकार ने उठाई कदम, भोजन पकाने पर खर्च होने वाली राशि भी दी जाएगी बच्चों को। तो सरकार सोच रही है कि घर बैठे बच्चों को तमाम चीज़ उपलब्ध करा दिया जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।